राजस्थान के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने हाल ही में अपने इस्तीफे के बाद फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में असफलता के बाद मंत्री पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया था, लेकिन कैबिनेट बैठक में शामिल होकर उन्होंने सबको चौंका दिया। हाल ही में किरोड़ी लाल मीणा ने भजला सरकार की कैबिनेट बैठक में भाग लिया, जिसमें उनके इस्तीफे की चर्चा पर विराम लगा। बैठक में शामिल होने के लिए उन्होंने निजी गाड़ी का इस्तेमाल किया, लेकिन बैठक के बाद मंत्री वाली गाड़ी से लौटे। यह स्पष्ट है कि उनका इस्तीफा न तो मंजूर हुआ है और न ही अस्वीकार किया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि मीणा पार्टी के साथ हैं और उनका विभाग पूरी तरीके से सक्रिय है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मीणा रोज विभागीय कामकाज में जुटे हुए हैं। बता दें कि मीणा ने अपने इस्तीफे पर कहा था, जहां मैं 45 साल से हर जाति के दुख दर्द से लड़ता आया हूं, वहीं जब चुनाव की घड़ी आई तो वोटर गायब हो गए, इसमें मेरा मन टूट गया। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद मीणा ने 4 जुलाई को मंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। उन्होंने अपनी हार पर जिम्मेदारी लेते हुए कहा था कि अगर वे दौसा लोकसभा सीट समेत किसी भी जिम्मेदारी सीट पर हार गए तो वे इस्तीफा देंगे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की स्थिति पर नजर रखना महत्वपूर्ण है। उनके हालिया बयान और कैबिनेट बैठक में शामिल होने से यह संकेत मिलता है कि वह राजनीतिक में सक्रिय बने रहना चाहते हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या मीणा अपनी स्थिति को लेकर कोई नया फैसला लेते हैं या नहीं। राजस्थान की राजनीतिक परिस्थितियों पर नजर रखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।